जिंदगी में चाहे जोश न हो, जवानी में चाहे होश न हो, लाख ऐब हो इंसान में मगर एक एहसान फरामोश न हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डायरी छूने की? क्या तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं कि बिना इजाजत के डायरी पढ़ी नहीं जाती? चले जाओ, चले जाओ यहां से। सुधा, हमें अंदर चलना चाहिए। नहीं, तुम क्यों चली जाओगी? मैं ही चला जाता। रोकने की कोशिश मत करना। प्लीज प्लीज हमें प्लीज मेरी बात सुनो। इन आंसुओं को मत बहाओ मेरे सामने। नफरत है मुझे इन आंसुओं से। औरत के आंसू इंसान को बर्बाद कर देते हैं। मुझे भी तो बर्बाद कर दिया इन आंसुओं ने। तुम मरना चाहते हो ना? अब मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। इस सदन का कोई भी आदमी तुम्हें रोकेगा नहीं। जाओ, तुम जहां जाना चाहते हो वहां चले जाओ। आज से हम में से किसी को भी तुमसे कोई मतलब नहीं है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, चले जाओ यहां से। श्वेता जी, मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, पर क्या करूं? मेरे अंदर इतना दुख है, इतना दर्द है कि दूसरे किसी का दुख और दर्द पता ही नहीं चलता। इसलिए अपना दुख दर्द खत्म करने के लिए मरना चाहते हो? मैं तुम्हें एक रास्ता बताती हूँ। वैसे दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है। तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, और अगर सुनना चाहते हो तो मेरी एक बात सुन लो। गुमनामी की जिंदगी मौत से भी बदतर है। अपनी पहचान ही तो नहीं छुपा पाता इंसान, कहीं ना कहीं तो पकड़ा ही जाता है। जैसे इस डायरी ने मेरी पहचान नहीं, जैसे इस डायरी की पहचान खत्म हो चुकी है, वैसे ही मेरी भी पहचान एक दिन खत्म हो जाएगी। ये तुम्हारी भूल है अमित। इस डायरी को देखकर भी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। मैंने तो इसका केवल एक पन्ना पढ़ा था, एक शायरी। लाख ऐब हो इंसान में मगर एक एहसान फरामोश ना हो। मगर अफसोस, तुम जो लिखते हो वो तुम करते नहीं। अमित, तुम ए, बस हो गया। तुम्हें जितना कहना था तुम कह चुकी, और मुझे जितना सुनना था मैं सुन चुका। अब तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है। चले जाओ, चले जाओ यहां से। मेरी बात, कोई बात नहीं सुननी मुझे तुम्हारी। श्वेता, क्या हुआ? श्वेता, लो पानी पी लो। तुम उसकी डायरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए? उलट पुलट देखते समय दो चार लाइनें ही पढ़ पाई थी, तभी वो आ गया। चले, तुम्हें मर रहा है। ये शोर कैसा है? मैं देख कर आती हूँ। क्या लगता है तुम्हें? बात तो वही लगती है मुंटा, किसी बहुत ही करीबी दोस्त ने धोखा दिया है। पर इस बात को तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि दोस्ती क्या होती है और कैसे निभाई जाती है ये तुम्हारी सोच से ऊपर है। तुम मुझे गलत समझ रही हो श्वेता। कई बार रिश्तों उन रिश्तों की बहुत फिक्र है तुम्हें, पर उस रिश्ते का क्या ममता जिसे बनाने के लिए तुमने खुद सोच समझ कर फैसला किया है? मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगी। तुम चाहो तब भी
तब भी मैं तुम्हें नहीं समझ पाऊंगी, क्योंकि जिस ममता को मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती थी वो तो तुम हो ही नहीं। मैं नहीं जानती क्यों, पर उस दिन अपने घर में तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया था उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। श्वेता, तुम तो जानती भी नहीं हो कि मेरी और संजय की तब मुलाकात भी हो। मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ, पर मेरी शिकायत तुम्हारी और संजय भैया की बात को लेकर नहीं है। मेरी शिकायत तुम्हारे उस रूखे व्यवहार के कारण है जो तुमने मेरे साथ किया था। उससे मैं बहुत परेशान थी श्वेता, पर मुझे तो तुम्हारी परेशानी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही थी। होता है श्वेता, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बातें ढाक कर रखनी पड़ती है। एक अमित है जो अपनी परेशानी का इश्तेहार लगाना चाहता है, और एक मैं जो सामने आकर भी अपने दिल की बात। तुमने राकेश नाथ जी से उस दिन बिल्कुल सही कहा था, तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करती जिसके लिए बाद में तुम्हें पछताना पड़े। आज तुम्हारी बात समझ पाई हूं। क्या मतलब है तुम्हारा श्वेता? मतलब तुम ना ही समझो तो अच्छा है। मैं अच्छी तरह से समझ रही हूं कि तुम क्या कहना चाहती, लेकिन मैंने संजय को अपने दिल की गहराइयों से चाहा। ये बात तुम पर अच्छी नहीं लगती ममता। ठीक है श्वेता, शायद मैं तुम्हें समझा भी नहीं पाऊंगी, लेकिन वक्त एक दिन तुम्हें मेरी मजबूरी जरूर समझाएगा। फिलहाल हम माजी के कारण एक मिशन पर काम कर रहे हैं, और जब तक ये मिशन कामयाब नहीं हो जाता हम और किसी सब्जेक्ट पर बात नहीं करेंगे। जाने दो ये मरना है। ये शोर शायद अमित के कमरे से आ रहा है, तुम्हें क्या लगता है? ममता जी, ममता जी वो जा रहा है। अब जयराम जी कहाँ? उन्होंने तो साफ कह दिया, जाता है तो जाए, वो उसे रोकने नहीं जाएंगे। चलो हम चलते हैं। नहीं श्वेता, तुम यहीं रुको, आज उसे मैं देखती हूँ। चलो। छोड़ो। अमित, छोड़ दो उसे। मैं कहाँ जा रहा हूँ ये सवाल आपने मुझसे बहुत बार पूछा है, लेकिन मैंने कभी भी आपको इस बात का जवाब नहीं दिया है। मैं जानता हूँ आज भी आप वही सवाल लेकर मेरे सामने आई हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा जरूर। मैं आज तुमसे कुछ पूछने नहीं आई, क्योंकि मैं जानती हूँ तो वही जा रहे हो जहाँ से वकार भाई तुम्हें बचा कर लाए। मतलब तुम इन लोगों की तरह मुझसे सवाल नहीं करोगे, रोकोगे नहीं? रोका उसे जाता है अमित जो रुकना चाहे। तुम तो किसी की कुछ सुनना ही नहीं चाहते, दुनिया को एहसान फरामोश कहते हो, लेकिन मैंने आज तक तुमसे बड़ा एहसान फरामोश नहीं देखा। क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। सच हमेशा कड़वा होता है अमित। ये सच नहीं, झूठ है। तो ये भी झूठ होगा कि जिस सदन ने तुम्हें सुसाइड करने से रोका, तुम्हें बचाया, उस सदन के लोगों से तुमने खराब व्यवहार किया, जयराम जी के ऊपर हाथ उठाया, माजी की इंसल्ट, श्वेता को रुलाया, यही तुम्हारी इंसानियत है ना? शायद आप ठीक कह रही हैं। मैं इस दुनिया को नहीं समझ पाया, है ना? गलती किसी और की नहीं, मेरी है। मैं तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रही। नहीं, मुझे गलत साबित कीजिए,
मुझे मेरी गलती का एहसास करवाइए ममता जी, ताकि मरते समय मैं किसी और को दोष न दे सकूं। गलतियों के लिए माफी मांगी जाती है हमें। एक गलती हो तो माफी मांगी भी जा सकती है, लेकिन मैं तो गलतियों की चलती फिरती लाश बन चुका हूं। हर एक का दिल दुखा है मैंने, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें मौत से कुछ हासिल नहीं होने वाला। हासिल करने के लिए मैं मौत को अपनाना नहीं चाहता ममता जी। आप सही कह रही हैं, मैं गलत हूं, इसलिए मैं अपनी गलतियों के बोझ को धो नहीं सकता, इसलिए मुझे तुम्हें जीना चाहिए। हमें अपनी गलतियों लेक्चर नहीं, नफरत है मुझे लेक्चरबाजी से। जब से आया हूं सब लोग उपदेश दिए जा रहे हैं। कहा तो आपने भी था ना कि आप मुझे रोकेंगे नहीं, लेकिन घूम फिर कर आप वही कर रही है। ममता जी मुझे रोकिए मत, जाने दीजिए मुझे। देखो अमित, इस वक्त सदन में माँ नहीं है, अगर तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओगे तो माँ हम सब पर नाराज हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँ? क्या मैंने आप सबको आपकी माँ की नाराजगी से बचाने का ठेका ले रखा है क्या? मगर इस वक्त हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। ए, बहुत बोलती है रे तू, कोशिश तो इन लोगों ने भी की थी, हुआ क्या? हिम्मत नहीं जुटा पा रहे मेरे सामने आने की। आज आप तो क्या भगवान भी मुझे मरने से नहीं रोक पाएंगे। बहुत वक्त बर्बाद कर दिया मैंने, मरना तो मुझे कब था। लोगों की भावनाओं से खेलने का कोई हक नहीं है तुम्हें। बहुत टॉलरेट कर लिया मैंने तुम्हें, लेकिन अब नहीं करूंगी। ले जाओ इसे। जयराम जी का, श्वेता जी का, जयराम जी का। देखिए, मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे बेहद अफसोस है। मेरी गलतियां माफ तो नहीं की जा सकती, पर हो सके तो मेरी बदसलूकी को माफ कर दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, क्योंकि सच में तुम्हारी गलतियां माफ करने लायक नहीं है। मगर हाँ, अगर तुम सुसाइड और मरने की बात ना करो तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। जीने का कोई कारण तो होना चाहिए। एक ढूंढोगे हजार कारण मिल जाएंगे। तुम जिन परेशानियों से डर कर आत्महत्या करना चाहते हो उनका मुकाबला करो, जीने का कारण खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। नहीं, मैं मुकाबला नहीं कर सकता। किस किस से मुकाबला करूंगा? तो अपनी जिंदगी जियो। एक दिन मुकाम पर पहुंची हुई तुम्हारी जिंदगी को देखकर हर एक को तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। क्या होगा जवाब देकर? यही बात अगर मैं तुमसे पूछूं तो क्या होगा तुम्हारे मरने से? लोग आते हैं जाते हैं, दुनिया का मेला तो यूं ही चलता रहता है, किसी के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मेरे मर जाने से आप सब पर इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? क्योंकि तुम आधी अधूरी जिंदगी जीकर सुसाइड करना चाहते हो। हम जानते हैं तुमने जो फैसला किया है वो तुम्हारी नजरों में सही हो, पर हमारी नजरों में गलत है। कारण जान सकता हूं? जरूर जरूर जान सकते हैं। देखो अमित, इस दुनिया में केवल तुम ही दुखी नहीं हो। कितने दिन से तुम इस सदन में रह रहे हो, कभी अपने कमरे की चार दीवारियों से बाहर निकलकर तुमने सदन के लोगों को जानने की कोशिश की? इन्हें इन्हें देखो, ये उषा जी हैं,
अपने पति के अत्याचारों से टूटकर यह भी तुम्हारी तरह आत्महत्या ही करने जा रही थी, मगर अब ये जीना चाहती है। केवल ये सदन ही नहीं, जरा बाहर झांक कर देखो, हर आदमी दुख और दर्द के साथ जीने की चाह लिए हुए है। मुझे सोचने का वक्त चाहिए। कहीं वो कुछ नहीं करेगा। ममता कहाँ है? अमित जब जयराम जी से माफी मांगने गया था तब तक तो वो यही थी। श्वेता जी, ममता जी आपके लिए चिट्ठी देकर गई है। पर वो कहाँ है? वो तो अपने घर चली गई। घर चली गई बिना कुछ कहे? खैर मैं भी चलती हूँ। मेरी प्यारी श्वेता, जिस मिशन के लिए तुम आज सदन आई थी वो मुझे अब पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। मेरे जिस व्यवहार से तुम नाराज हो उसके लिए मैंने अपनी ओर से तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश की, पर शायद तुम्हारी जगह मैं भी होती तो बात को ना समझती। दोस्ती में माफ़ी और सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं भी तुम्हें सॉरी नहीं कह रही, पर हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि हो सके तो मुझे समझने की कोशिश करनी। ना तो मैं बदली हूँ और ना ही बदल सकती हूँ तुम्हारी ममता। पगली गई कि पुरानी आदत है, जब कोई बात कहनी होती है तो लिख कर भेज देती है। अरे श्वेता कुंडली ले। सॉरी भैया, सदन में इतना काम था कि ममता के घर जाने का वक्त ही नहीं मिला। मतलब तो ममता के घर गई नहीं? कहा ना वक्त नहीं मिला। तो अब तक क्या कर रही थी तुम? कह तो रही हूँ सदन में इतना काम था। जानते हो भैया आज सदन में क्या हुआ? एक लड़का आया है, उसका नाम अमित है। मुझे तुम्हारी कहानी नहीं सुननी है। मैंने तुमसे कहा था मेरा काम जरूरी है। ठीक है भैया, मैं सुबह ममता के घर चली जाऊंगी और सुबह सुबह वो घर पर भी मिलेगी। नहीं, तुम ऐसे समय ममता के घर जाना जब वो घर पर न है। मतलब? हर बात का मतलब क्यों पूछती हो तुम मुझसे? जो मैं कह रहा हूँ वो करो। अगर ममता घर पर होगी तो साई की तरह तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी। कैसे लेकर आओगी कुंडली तुम? इस बात को आप आराम से भी तो कह सकते हो ना। अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो प्लीज, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। एक बार ये काम किसी तरह खत्म हो जाए तो मैं कल्पना भाभी को उनके खेल का सही जवाब।